हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैंटेसी प्लेयर चंद में। तो फ्रेंड, जो KPL का पहला मैच खेला जाएगा इसकी वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, और आपने नहीं देखी हो तो हमारी वीडियो में जाके देख सकते हो। अब जो यहाँ पर दूसरा मैच खेला जाएगा KPL का, इसके बारे में यहाँ पर बताऊँगा, इसकी टीम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बने रही हमारे चैनल के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो पहले मैच में जैसे मैंने बताया था कि बारिश नहीं होगी, बट दूसरे मैच में फ्रेंड थोड़ा बारिश के चांसेस हैं, क्योंकि ये 7 बजे के आसपास मैच खेला जाएगा। 7 से 8 बजे तक यहाँ पर थोड़ी बारिश दिखा रही है, तो ये मैच डिले हो सकता है, थोड़ा कम ओवर का हो सकता है, मे बी कम ओवर का हो, बट ये मैच भी होगा कंप्लीट आज जहाँ तक कह रहा है, क्योंकि उसके बाद जो है बारिश का मौसम नहीं रहेगा। 7 बजे के आसपास यहाँ पर थोड़ी बारिश दिखा रही है, तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो इस मैच में लीग, तो ये भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि पहले मैच तो कम्प्लीट होने वाला ही है, दूसरे मैच में थोड़ा बहुत यहाँ पर बारिश के चांसेस बताए गए हैं। तो चलिए हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग के लिए मैं तो बताऊंगा आपको, बेस्ट जो होगा पहला मैच ही होगा। दूसरे मैच में थोड़ा डाउट होगा, क्योंकि अगर कम ओवर का हुआ तो फिर वैसे होगा, कुछ प्लेयर आपको रखने पड़ेंगे और टॉप ऑर्डर कन्फ्यूज हो जाओगे। तो कोई नहीं, अगर लगाना चाहते तो लगा लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर दोनों मैच कवर करने वाले, दोनों मैच की टीम यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाली है, तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। अब सुनना फ्रेंड ध्यान से कि हो क्या सकता है, टीम मैंने इसकी भी बना रखी है। मैं आपको टीम पहले आपको टीम प्रीव्यू दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर हर वीडियो में प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ, क्योंकि लोग अधिकतर यहाँ पर प्रीव्यू देखने के लिए आते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर टीम प्रीव्यू यहाँ पर दे रखा है। विकेट कीपर में गौतम है, उसके बाद यहाँ पर रेड्डी को लिया हुआ है, उसके बाद होवर को लिया, उसके बाद यहाँ पर कुनैन अब्बास हैं, उसके बाद चार मैंने ऑलराउंडर लिया, किसने पर गौतम लिया, अविनाश को लिया, नेगी को लिया, और यहाँ पर दर्शन को लिया हुआ है। अब फ्रेंड यहाँ पर क्रेडिट मैनेज करने के लिए मैंने यहाँ पर दर्शन को लिया, अदरवाइज मैं यहाँ पर किसी और प्लेयर को लेना चाहता था, वो बताऊंगा मैं वीडियो में आगे किसको और कौन यहाँ पर आपके लिए अच्छा हो सकता है। बाकी बॉलर्स में जो मुझे 3 बेस्ट लगे, कृष्णा हो गए, गुलेच्छा हो गए, और उसके बाद हेगड़े हो गए, ये जो मुझे बेस्ट लगी है मैंने रख लिया। बाकी अगर आपको लगता हो कि इनसे अगर बेस्ट कोई और है, वो सजेशन सुनने के बाद आपको पता चलेगा। ये रहेगी हमारे 11 मेंबर की टीम। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है आप इस टीम के साथ जा सकते हो, बाकी अदरवाइज अपना इसमें 1 या 2 चीज़ आपको कर लेने हैं, पता चल जाएगा आपको कि यहाँ पर क्या क्या होने वाला है वीडियो में आगे। तो जो लोग प्रीव्यू देख के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, वीडियो को लाइक प्लीज़ जरूर कर देना, और जो लोग आप सुनना चाहते हैं इसके बारे में आगे और सजेशन लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या कैप्टन वाइस कैप्टन और कौन से प्लेयर हमारे लिए और बेस्ट हो सकते हैं यहाँ पर किसके अलावा, तो वो चीज़ वो वीडियो पर बने रहें और वीडियो को आगे अंत तक पूरा देखें। तो चलिए बाकी टीम को मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। विकेट कीपर में आपके पास हेड टू हेड में केवल एक ही ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जो बेस्ट है, वो है सी गौतम। अगर आपको लगता है इनसे अलावा कोई और बेस्ट, खेलने के बाद आपको पता चलता था अगर कोई बेस्ट है तो आप उनको ले सकते हो, बट मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। खेलने के बाद भी मैं किसी को गौतम के अलावा और किसी को सजेस्ट नहीं करने वाला हेड टू हेड 3 मेंबर लीग में। बात कर लेते हैं बैट्समैन की। बैट्समैन फ्रेंड में यहाँ पर जैसे कि आपको पता ही है चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, मैं यहाँ पर 4 बैट्समैन लेना चाहता था। अब एक ना एक को आपको यहाँ पर ड्रॉप करना पड़ेगा, या तो पडिकल को कीजिए, या फिर होवर को कीजिए, या फिर कुनैन अब्बास को कीजिए, और मैं इन तीनों को रखना चाहता था, बट क्या करूँ, क्रेडिट आपके सामने इशू है बहुत बड़ा, आप क्रेडिट के सामने कुछ नहीं कर सकते, मजबूरन मेरे को यहाँ पर रेडी को रखना पड़ा 8.5 क्रेडिट में। बाकी यहाँ पर मैं मनीष पांडे नहीं खेलने वाले, इनका जहाँ तक ख्याल है इनकी इंजरी की वजह से नहीं खेलने रहे, सामंत का थोड़ा डाउटफुल है, इसके बाद ही नीचे सारे डाउटफुल प्लेयर हैं, इनका खेलना नहीं खेलना कन्फर्म नहीं है, क्योंकि फ्रेंड ऑलराउंडर में काफ़ी ज़्यादा भरे पड़े हैं, ऑलराउंडर से यहाँ पे ज़्यादा उम्मीद है कि ऑलराउंडर से यहाँ पे खेलने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि काफ़ी लास्ट के अपने KPL में जो लास्ट ईयर जो इनका KPL था वहाँ इन लोगों ने काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी आप अगर देख सकते हो, अगर प्लेइंग लाइन के बाद अगर इनसे कोई खेलता था उनको रख सकते हो। मैं आपको बता दूंगा टॉस के बाद क्या क्या हमारे फाइनल प्लेयर रहने वाले हैं। 4 मैंने ऑलराउंडर लिए हैं, 4 ऑलराउंडर के साथ के, बाकी अगर आप लोग इनमें से कोई से और को रहे तो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से यहाँ पे अवेलेबल हैं आपके पास और कौन से बेस्ट हो सकते हैं और कौन सा मेरा रिस्क है, यहाँ पर सब कुछ बताया जाएगा। बस बने रहे वीडियो के साथ, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना है। बाकी फ्रेंड अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी उसके बाद टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पर आपको फाइनल टीम्स मिलती है, अपडेटेड टीम्स जो टॉस के बाद की होती हैं, क्योंकि कुछ प्लेयर अगर हमारे मिस होते थे हम उसको वहाँ पर चेंज कर लेते हैं, मैं क्या पूरी दुनिया यही करती है। तो चलिए बात कर लेते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर में जो 4 मुझे बेस्ट लगे वो मैंने रख लिए, बाकी क्रेडिट भी आपको सब कुछ देखना है तभी आपके यहाँ पर टीम क्रिएट हो सकती है। गौतम को लिया, नेगी को लिया, या तो फिर आप नेगी को ड्रॉप करके लेते हो, बट मैं ऐसा प्लेयर को ड्रॉप नहीं करूँगा। अविनाश को लिया, उसके बाद यहाँ पर एम दर्शन को लिया मजबूरी में। एम दर्शन लिया, आप यहाँ पर राजू भटकल को ले सकते हो, राजू भटकल भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट मैं अभी एम दर्शन के साथ जा रहा हूँ। एक जो सबसे बड़ा रिस्क है वह है कार्तिक, अगर आप कहीं से क्रेड मैनेज कर ले तो कार्तिक को रख सकते हो, कार्तिक काफ़ी अच्छे ऑप्शन होंगे। आई थिंक सेकेंड या थर्ड ओवर यहाँ पर खेलने के लिए आने और अपने 4 ओवर कोटे के
पूरे करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर काजी, काजी के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। और उसके बाद यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, यहाँ पर राजू भटकल को आप ले सकते हो। तो मेरा राजू भटकल से भी, राजू भटकल से भी कोई टेंशन नहीं है, इससे भी कोई डर नहीं है, बाकी काजी से भी कोई डर नहीं है, बट डर है तो केवल एक कार्तिक से, इसको मैं लेना चाहता था दर्शन की जगह पर, बट क्रेड मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दर्शन को रखा हुआ है। बाकी आप कैसे क्रेड मैनेज कर ले तो आप इनको रख सकते हो। तो ये थी हमारी ऑलराउंडर जो जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिया, बाकी आपको जो लगता है इनसे अला कोई और बेस्ट है तो आप उनको रख सकते हो। बाकी तीन बॉलर जो मुझे बेस्ट लगे आपको बता दूंगा मैं कौन कौन खेलने वाले, कौन कौन से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, यहाँ पर सब कुछ बता दूंगा। तो आपको खुद डिसाइड करनी है आपको किस किस को रखना है, ठीक है फ्रेंड। बाकी अगर आप लोग प्ले स्पोर्ट में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिलेगा, साथ ही में रेफरल कोड मिलेगा। आपको पता नहीं पता कैसे खेलना क्या खेलना तो हमारे एक सेपरेट वीडियो बना रखे, उस वीडियो को देख के आपको पता लग जाएगा कि वहाँ पर क्या पॉइंट सिस्टम है, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में बार बार कहता हूँ कि थोड़ा अलग हटके खेलो, आपकी विनिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मोटे तगड़े इन्वेस्टर हैं जिनके मुकाबले हम लोग कुछ भी नहीं है। जो हम 3,000-4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो चलिए बात कर लेते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा को लिया हुआ, उसके बाद गुलेचा को लिया और यहाँ पर शुभम हेगड़े को रखा। बाकी फ्रेंड मैं आपसे कहना चाहूँगा इन तीनों को तो जरूर रखना, अगर आप किसी इनमें से किसी को मिस करते हो तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, क्योंकि ये ऐसे बॉलर हैं जो हर मैच में एक या दो विकेट यहाँ पर ले जाते हैं। और उम्मीद करता हूँ प्रसिद्ध कृष्णा और हेगड़े से आज मुझे स्पेशली उम्मीद है कि दो या तीन विकेट यहाँ पर ले जा सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो ऑप्शन आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं। अपना है, उसके बाद शाहिद अली, ये हैं जेड अली शाहिद हैं, ये खेलने वाले हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कोई खास ऑप्शन नहीं है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में अगर खेलते हैं तो भी केवल ये दो ऑप्शन ही, अगर आप इन दोनों को ट्राई करते हो, किसी को छोड़ के आपको लगता कोई बॉलर नहीं कर पाएगा यहाँ पर अच्छा खासा, तो आप उसकी जगह इनको रख सकते हो और वो रिस्क आपका होगा, क्योंकि वो आपका गेम चेंजर प्लेयर होगा। आपको पहले ही बता दूँ हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग में जो भी टीम्स होगी वो इन्हीं बॉलर के साथ जाने वाली हैं। अगर आपका बॉलर ऊपर नीचे हो सकता है तभी जब आप चेंज करोगे इनमें से, अगर आपने सपोर्टर यहाँ पर गुलेचा को छोड़ दिया और अपना को ले, अपना दो विकेट ले गया, गुलेचा एक विन ले गया या फिर एक विकेट ले गया, तो आप 10 पॉइंट से आगे रहोगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस तरह की टीम बनानी है आपको। बाकी जो मुझे बेस्ट लगे मैंने रख लिए। तो ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम। अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है तो ये हमारी टीम। बाकी कैप्टन वैसे अपने बारे में, कैप्टन मैंने दी नेगी को बनाया और वाइस कैप्टन मैंने यहाँ पर होवर को बनाया है। दोनों वन डाउन खेलने आते हैं और नेगी थोड़ा हिटिंग भी काफ़ी अच्छी कर लेते हैं, 2-3 विकेट तो हर मैच में ले ही जाते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर ये ऑलरेडी खेल चुके हैं तो आप लोगों को पता ही होगा इन नेगी के बारे में। बाकी उसके बाद होवर को लिया, होवर भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, जिस हिसाब से पिच है उस हिसाब से मैंने होवर को यहाँ पर रखा हुआ, क्योंकि बैटिंग काफ़ी अच्छी करते हैं बट कभी कभार ये फ्लॉप जाते हैं तो बहुत गंदा ही फ्लॉप जाते हैं। ये आपको या तो 2 पॉइंट अर्न करके देंगे या 3, बहुत से बहुत मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा पॉइंट अर्न करके नहीं देंगे अगर फ्लॉप होने पाए। अगर चल गए तो ये 50-60 पॉइंट के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये बॉलिंग भी पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, कभी कभार 1 या 2 ओवर कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इनको बनाया हुआ। बाकी यहाँ पर कुनैन अब्बास है और कृष्णपा गौतम है नीचे ऑलराउंडर में। कृष्णपा गौतम काफ़ी अच्छे ऑप्शन हो सकता है वाइस कैप्टन के लिए, बट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको, आप बना सकते हो, बट मैं जो है होवर के साथ ही जाने वाला हूँ। उसके बाद सॉरी कुनैन अब्बास जो है आपके कैप्टन वाइस कैप्टन काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकते हैं। तो ये थी हमारी हेड टू हेड थ्री मेंबर लीग की टीम और हमारा सजेशन। बाकी अगर आपको हमारी टीम पसंद आती है तो ही हमारी टीम से जाइए, अदरवाइज आप अपना 1 या 2 चेंज आपको कर लेने हैं। तो चलिए बहन, आज के जो मैंने कहा था 2 मैचेस की वीडियो आपको दूंगा, दोनों मैचेस में वीडियो दे चुका हूँ, बाकी ये 3 मैचेस में वीडियो यहाँ पर नहीं देने वाला, ना ही खेलने वाला। और आपको भी एक एडवाइस देता हूँ कि प्लीज़ ऐसे मैचेस में मत खेलिए जहाँ आपके लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हों। ये मत समझिए कि ये मैचेस को कोई नहीं खेलता, सामने वाले को पता नहीं होगा, तो फ्रेंड जो इसको खेलता है उसके बारे में पूरी तलाशी करता तभी खेलता, अदरवाइज वो नहीं खेलता, इस बात को ध्यान में रखना है। क्योंकि इतना शाणे बनने की कोशिश नहीं करना आपको कि यार इनमें कोई नहीं खेलता, इन मैचेस को खेलने में अच्छा खासा विन कर सकते हैं। जैसा आप सोचते हो वैसे ही दूसरे भी सोचते हैं, और हर जो पैसा लगाता है वो मेहनत जरूर करता है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ऐसे मैचेस को ना खेला तो एक एडवाइस आपके लिए। बाकी मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, 2 मैचेस आज ही है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, यही एक आपसे उम्मीद होती है हमारी कि वीडियो को लाइक आएंगे, लाइक्स मिलेंगे। तो चलिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप टेलीग्राम चैनल पर, हमारी टीम्स क्या परफॉर्म करती है वहाँ आपको सब कुछ बताया जाएगा। ओके फ्रेंड, गुड बाय।